जय श्री कृष्णा। मैं नीता गुप्ता, सिराली, जिला हरदा, मध्य प्रदेश से। आज हम एवरेस्ट के कुछ मसालों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ये 250 ग्राम पनीर है, इसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी धना, स्वाद के अनुसार नमक। ये एवरेस्ट की कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, डन। ये एवरेस्ट की कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी। अब इसको थोड़ी देर मिला के रख देंगे। ये तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम ये पनीर को तलेंगे। बस ये पनीर को हमें इतना ही तलना है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हमने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, ये बटर, ये कुछ मसाले हैं, तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च। इसको कुछ सेकंड फ्राई होने के बाद इसमें 3 बड़े प्याज हैं, ये डालेंगे। अदरक और हरी मिर्ची, ऐसी गलेगी पीछे भी हो सकता है। ये 4 बड़े टमाटर हैं, इसको भी कट करके इसी में डाल देंगे। इसमें नमक डालेंगे इसे गलाने के लिए, 1.5 चम्मच। अब इसको अच्छे से गलने तक के लिए पकने देंगे, अच्छी तरह पूरा गल जाना चाहिए। ये 10-15 काजू हैं जिसे हमने गर्म पानी में भिगा के रखा था, इसका महीन पेस्ट बनाएंगे। ये काजू का पेस्ट तैयार है, देखिए ये टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब इसे ठंडा करके एकदम महीन पेस्ट बनाएंगे। ये हम पीस रहे हैं, इसको पीसते समय हमने इसके तेज पत्ते, दालचीनी और लौंग, काली मिर्ची वगैरह निकाल दिए थे। अब हम इसका महीन पेस्ट बनाएंगे। अब इसे हम छना लेंगे, छनाने में ये और स्मूथ हो जाएगा। ये हमने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, इसमें हम ये बटर डालेंगे, तेज पान, ये 2 प्याज बारीक कटी हुई, ये 1/2 चम्मच से कम नमक है। अभी सिर्फ हम प्याज का डाल रहे हैं और इसको थोड़ा ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर। अब हम इसमें अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच। ग्रेवी हमने पीस के छना लिए थे, अब इसे इसमें डालेंगे। हम ग्रेवी का नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसे पकाते समय प्याज और टमाटर के साथ डाल दिया था नमक। अब इसको बहुत अच्छे से भूनते तक अच्छे से पकाएंगे।
ये देखिए बहुत अच्छे से ग्रेवी पक गई है, इसमें पूरा ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये हमने कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट कर ली थी, इसको हम निकाल लेंगे। ये काजू पेस्ट है, काजू पेस्ट डालेंगे। ये एक कटोरी फ्रेश मलाई है, इसको डालेंगे इसमें। ये कसूरी मेथी, एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच शक्कर, ये हमारे फ्राई पनीर डाल देंगे इसमें। ये एवरेस्ट का किचन किंग मसाला डालेंगे, जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। डेढ़ चम्मच इसको ढक के 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए तैयार है हमारी बटर पनीर मसाला। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। तैयार है हमारी सब्जी सर्व करने के लिए। तैयार है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।